हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू तिवारी एकेडमी। तो अब हम प्रश्नावली 3.1 आरंभ करते हैं। चलिए सबसे पहला प्रश्न पढ़ लेते हैं। इस प्रश्न में दिया गया है कि आफताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, जबकि अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? और आगे बोला गया है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर आफताब अपनी पुत्री से कह रहा है और यहाँ पर आयु के बारे में बातें हो रही हैं दोनों के लिए, तो आप एक आफताब की आयु मान लीजिएगा और एक आप अपनी पुत्री की आयु मान लेंगे उसकी। तो देखिए, माना हमने आफताब की आयु मान ली यहां पर एक्स, और हमने पुत्री की आयु को वाई मान लिया। आप किसी को भी एक्स किसी को भी वाई मान सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आफताब की एक्स ही मानी जाएगी, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने आफताब की एक्स मानी और पुत्री की वाई मानी। तो अभी आप देखो कि आपको जो पहला कथन दिया गया है वो है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अच्छा, एक बात हमें ये और ध्यान रखनी है कि जो आफताब की ये आयु जो है ये वर्तमान आयु है आपने मानी है, और इसी तरीके से आपने पुत्री की भी वर्तमान आयु ही मानी है वाई। तो अभी आप देखो कि 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पूर्व एक्स माइनस 7 हो जाएगी आफताब की आयु, और पुत्री की आयु वाई माइनस 7 हो जाएगी, क्योंकि एक्स और वाई तो वर्तमान आयु थी। तो उसने बोला कि वह उससे 7 गुनी आयु का था, अर्थात अब वो उससे 7 का गुणा कर देगा, तभी तो आपके पास ये समीकरण बराबर आएगा। तो देखिए, ये आपके पास थी कंडीशन 1, मतलब स्थिति 1। अब देखो, अगर आप इसको सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। तो देखो, ये आ जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस का 42। तो इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दूसरी कंडीशन आपको दी हुई थी कि आफताब ने बोला है कि 3 वर्ष बाद वो केवल 3 गुनी आयु का रह जाएगा। तो देखिए, कंडीशन 2 लिख लेते हैं। तो कंडीशन 2 में बोला गया है कि 3 वर्ष बाद, अर्थात अभी प्रेजेंट में, अर्थात वर्तमान में आयु तो एक्स और वाई है, तो 3 वर्ष बाद दोनों की 3-3 आयु को आप जोड़ देंगे, तो प्लस 3 आपने दोनों में कर दिया। अब आप देखिए, उसने बोला कि 3 वर्ष बाद वो 3 गुना रह जाएगी, तो आप 3 का गुणा इसमें कर देंगे। तो आप देख भी सकते हो यहां से, अगर आपको कठिनाई होती है तो आप एक बार सोच के देख लें। एक बार ये है आफताब की आयु, और ये आफताब की आयु देखिए ये 3 गुना हो गई है, और ये देखिए उसकी पुत्री की आयु थी 3 साल बाद। तो देखिए, हमारी यहाँ पर कंडीशन 2 भी सेटिस्फाई हो गई। तो अगर आप इसको सरल करोगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। तो देखिए, अगर आप थोड़ा सरल करो तो आपके पास आ जाएगा x माइनस 3y बराबर, देखिए 3 का भी आप पक्षांतर कर देंगे तो आपके पास ये हो जाएगा 6 के बराबर। तो यहाँ से x माइनस 7y बराबर एक बार आपके पास आया 42, माइनस 42, और एक बार आया x माइनस 3y बराबर 6। तो देखिए, इसको हमने समीकरण संख्या 2 बोल दिया। तो बेसिकली जो बीजगणितीय रूप में आपको लिखने को बोला गया था, तो बीजगणितीय रूप आपके पास हो जाएगा x माइनस 7y बराबर माइनस 42 तथा x माइनस 3y बराबर 6। तो ये आपके पास बीजगणितीय रूप हो जाएगा। अब आप देखिए, आपको तो बोला गया था कि आपको ग्राफीय रूपों में भी व्यक्त करना है, अर्थात आपको ग्राफ पर इनको सजा देना है, अर्थात ग्राफ पर जो भी आपके पास बनेगा आपको बताना है। तो देखिए, ग्राफ पेपर आपके पास होगा इसके लिए, और उस पर हम समझ लेते हैं कैसे बनाएंगे हम। तो देखिए, ग्राफ पेपर पर हम इस अक्ष को बोलते हैं एक्स अक्ष, तो यहां पर मैंने एक्स लिख दिया, और इस अक्ष को हम बोलते हैं वाई अक्ष। जहां x अक्ष और y अक्ष कट करते हैं उसको बोलते हैं 0,0, अर्थात मूल बिंदु, क्योंकि x और y यहां पर दोनों 0 हो चुके हैं। तो अभी आप देखो कि अगर ये देखिए, पहला समीकरण आपने इसको माना था और दूसरा समीकरण इसको माना था। तो सबसे पहली लाइन अगर हम उठा लें तो आपके पास वो है x माइनस 7y बराबर माइनस 42। तो अभी आप ये देखो कि ये एक लाइन का समीकरण है, अर्थात ये एक सरल रेखा का समीकरण है। तो एक सरल रेखा बनाओगे आप,
अब आप ये देखो कि अगर आपको कोई से भी मिनिमम दो बिंदु मिल गए, मैं एक उदाहरण के तौर पर आपको बता रहा हूं, तो आप एक सरल रेखा तुरंत बना सकते हैं। देखिए आपने सरल रेखा बना दी, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि दो पॉइंट ये मिले तीसरा पॉइंट ये मिला, तो देखिए कभी भी ये सरल रेखा नहीं बन सकती ऐसे जोड़कर। तो देखिए ना आप, ये तो मुड़ गई एक तरीके से। तो सरल रेखा बनाने के लिए आप चाहे 10 पॉइंट निकालें, चाहे 3 पॉइंट निकालें, चाहे 5 पॉइंट निकालें, वो सभी पॉइंट होंगे एक ही रेखा पर। तो देखिए अगर आप 10 पॉइंट भी निकालेंगे तो वो कुछ इसी रेखा पर ही आते रहेंगे। अगर आप 2 पॉइंट भी निकालेंगे तो मान लीजिएगा एक पॉइंट ये आया और एक पॉइंट ये आया, तो आप ज्वाइन करोगे तो आपके पास वही सरल रेखा ही आएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको सरल रेखा का समीकरण बनाने के लिए ग्राफ पर कम से कम 2 पॉइंट की जरूरत होगी। आप ज्यादा निकालना चाहें तो निकालें, अदरवाइज केवल 2 से भी आपके काम चल जाएगा। तो अभी आप देखो, अगर आप x को 0 लिख दें तो देखिए आपके पास आ जाएगा -7y बराबर -42, तो y बराबर आपके पास 6 आ जाएगा। देखिए आपके पास एक पॉइंट तो आ गया 0,6। अब आप देखो कि यदि आपने, ये मैंने पहला केस लिया था, और यदि आपने यहां पर y को 0 रखा तो देखिए आपके पास आ जाएगा x बराबर -42। तो देखिए आपके पास जो बिंदु आ जाएगा वो हो जाएगा -42,0, क्योंकि x निर्देशांक पहले लिखा जाता है और y निर्देशांक बाद में लिखा जाता है। तो देखिए आपने 2 बिंदु निकाल दिए, तो आप केवल 2 बिंदुओं से ही आपकी सरल रेखा बन जाएगी। अगर आप चाहते हैं और बिंदु निकालना तो आप कुछ भी x की वैल्यू रखो और साथ y आपके पास आ जाएगा, तो इससे आपके पास y भी आ जाएगा। तो ऐसे आप अनगिनत बिंदु निकाल सकते हैं। तो देखिए सबसे पहला बिंदु था अपने पास 0,6, तो 0,6 जो बिंदु होगा वो यहां पर आपके पास होगा। और देखिए एक दूसरा बिंदु था हमारे पास -42,0, अर्थात y निर्देशांक 0 है, इसका मतलब ये हुआ है कि ये बिंदु आपके पास x अक्ष पर बनेगा, तो ये -42,0 आपके पास आ जाएगा। तो देखिए अगर आप इनको ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास रेखा कुछ ऐसी आ जाएगी। तो ये आपने पहली सरल रेखा बना दी। अब हम दूसरी सरल रेखा पर बढ़ते हैं। दूसरी सरल रेखा है आपके पास x-3y = 6। तो इसमें भी आप 2 बिंदु तो निकालेंगे ही कम से कम, आप ज्यादा निकालना चाहते हैं तो निकालें, अदरवाइज 2 से ही काम चल जाएगा। तो सबसे आसान होता है एक बार x को 0 कर दो और एक बार y को। तो देखिए सबसे पहले हम करते हैं, यदि x बराबर 0 तो आप देख रहे हो -3y = 6 आ जाएगा, तो y बराबर -2 आ जाएगा। तो आपको जो बिंदु मिला वो 0,-2 मिल गया। अब इसी तरीके से आप इस रेखा का दूसरा बिंदु भी निकालोगे। तो देखिए अब आप लिखोगे यदि y बराबर 0, तो आप देख रहे हो आपके पास x बराबर 6 आ जाएगा, तो जो बिंदु आएगा वो 6,0 आ जाएगा, क्योंकि x निर्देशांक पहले लिखा जाता है और y निर्देशांक बाद में, अर्थात 6,0 आपके पास आ जाएगा। तो अभी आप ये देखो कि यदि आप इसको बनाएंगे ग्राफ पर, तो 0,-2 आपके पास यहां पर एक बिंदु आएगा, और 6,0 यदि आप बनाएंगे तो 6,0 आपके पास यहां पर कहीं आ जाएगा। तो देखिए मैं थोड़ा इसको थोड़ा प्रैक्टिकल बना देता हूं, तो कहीं भी 6,0 हो सकता है, क्योंकि आपके पास अभी ग्राफ पेपर पर मैं नहीं बना रहा हूं, तो थोड़ा तो आपको ऐसा ही लगेगा। तो देखिए अगर आप इनको ज्वाइन कर दोगे तो आपके पास कुछ ऐसा आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास एक रेखा ये हो जाएगी। तो ये आपने ग्राफीय रूप से निरूपित कर दिया। अगर आप चाहें तो इसको आप लिख सकते हो, जैसे ये वाली समीकरण जो लाइन थी वो थी x-7y = -42 की, और ये लाइन आपके पास है x-3y = 6 की। तो देखिए इस तरीके से हमने इस प्रश्न को ग्राफीय तरीके से भी हल कर दिया। तो अब हम प्रश्न संख्या 2 हल कर लेते हैं। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपये 3,900 में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी हैं। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 2 गेंदें रुपये 1,300 में खरीदी हैं। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो ज्यामितीय रूप अर्थात ग्राफ पर आपको इनको बता देना है। तो अभी आप ये देखो कि अगर आपने माना यहां पर बल्ले और गेंद की कीमत तो आपको दी नहीं है, आपको कंबाइंड करके दी हुई है 3 बल्ले और 6 गेंदों की कीमत। तो माना आपने एक बल्ले की कीमत x मान ली, तो अब ये स्वाभाविक है कि x रुपए की ही बात हम यहां पर कर रहे हैं। तो और इसी तरीके से आपने माना कि एक जो गेंद की कीमत आएगी वो आपके पास y रुपए आपने
मान ली। तो अभी आप ये देखो कि पहली जो कंडीशन है अर्थात पहला कथन जो आपको दिया हुआ है वो दिया है तीन बल्ले, अर्थात तीन बल्लों की कीमत 3x हो जाएगी, क्योंकि एक बल्ले की कीमत x है तो तीन बल्लों की कीमत 3x, और छह गेंदों की कीमत आपके पास 6y हो जाएगी क्योंकि एक गेंद की कीमत y है। तो अब उन्होंने बोला है तीन बल्ले तथा छह गेंदों की कीमत अर्थात 3x प्लस 6y, ये आपके पास देखिए 3900 आपको दिया हुआ है, तो इसको आप समीकरण संख्या एक बोल दीजिएगा। फिर इसी तरीके से आपने आगे देखा तो आपको बोला गया है एक और बल्ला, अर्थात जो ये बल्ले बल्ले लिए थे उसी तरीके का एक और बल्ला आपने लिया है, तो एक बल्ला आपने लिया है तो उसकी कीमत तो x आ गई तथा प्लस लगा दिया आपने, और फिर बोला गया उसी तरीके की दो गेंदें और ले ली तो देखिए 2y आप यहां पर लिख दोगे, तो ये आपके पास देखिए 1300 रुपए आ चुका है, तो इसको आप समीकरण संख्या दो बोल दीजिएगा। तो अब ये तो आपने बीजगणितीय रूप से हल कर दिया, तो आप यहां पर लिख सकते हो ये है बीजगणितीय रूप। अब आप यहां पर ये देखो कि आपको हल करने को नहीं बोला गया है, आपको बोला गया है व्यक्त कीजिए, व्यक्त करने का मतलब होता है केवल आपको लिख देना है समीकरण बनाकर बस। अब आप देखिए आपको आगे ये बोला गया था कि ज्यामितीय रूप में भी आपको व्यक्त करना है, अर्थात आपको ग्राफ पेपर पर इसको बना देना है। तो देखिए ग्राफ पेपर पर आप सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना देते हैं, तो देखिए ये एक्स अक्ष हो गई और ये आपके पास वाई अक्ष हो गया। तो अब बात करते हैं तो देखिए ये दोनों होंगी तो रेखाएं ही, तो सबसे पहली रेखा की हम बात करते हैं 3x प्लस 6y बराबर 3900 की। अब यहां पर सबसे पहले तो आप दो बिंदु तो निकालने ही हैं आपको, तो यदि x बराबर आपने 0 माना तो आपको मिल रहा है 6y बराबर 3900, तो देखो y बराबर आपके पास आ जाएगा 3900 बटे 6, अर्थात देखो इसको हल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 6 × 6 = 36, 5 = 0, तो आपके पास आया 0,650, एक बिंदु आ गया। और अब दूसरी वाले में आप y को 0 मान लीजिएगा तो आपके पास 3x बराबर 3900 आ जाएगा, तो देखिए x बराबर आपके पास यहां से 1300 आ जाएगा क्योंकि 3900 बटे 3 करोगे, तो आपके पास जो बिंदु आया वो आ जा गया 1300, 0, क्योंकि x बिंदु पहले लिखा जाता है। तो देखिए अब आप सबसे पहले तो देख रहे हैं 1300, 0 आपके पास यहां कहीं आएगा, और 0,650 मान लीजिएगा आपने ये बिंदु लिख दिया। अब आप इनको ज्वाइन कर दीजिएगा, तो आपने देखिए यहां पर पहला समीकरण वाली रेखा को बना दिया है यहां पर, तो यही आपके पास हो गई है 3x प्लस 6y बराबर 3900। अब हम दूसरे समीकरण की बात करते हैं, तो देखिए दूसरे समीकरण में आपको दिया हुआ था x प्लस 2y बराबर 1300, तो इसमें भी सबसे पहले आप यदि x बराबर 0 मान लोगे तो आपके पास 2y बराबर 1300 आएगा, तो y बराबर आपके पास 650 आ गया, और यदि अब आप y बराबर 0 मान लोगे तो x बराबर आपके पास 1300 आ गया। तो देखो यहां से आपको जो बिंदु मिला वो तो मिला 0,650, और यहां से जो बिंदु मिला वो आपको मिल जाएगा 1300, 0। तो अभी आप ये देखो गौर करने की बात कि 1300, 0 यहां पर भी बिंदु है और इस वाली लाइन पर भी बिंदु है, तो 1300, 0 तो दोनों पर आएगा। इसी तरीके से आपने देखा 0,650 यहां पर भी है और यहां पर भी है, तो देखिए 0,650 तो यहां पर भी आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो दूसरी वाली रेखा है उसको भी आप तभी बनाएंगे जब इन दोनों पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर देंगे, तो आप इसी पॉइंट्स को ज्वाइन कर देंगे तो आपके पास यही रेखा आ जाएगी यहां से, तो देख सकते हैं आप इसका मतलब ये दोनों रेखाएं एक ही हो गई हैं। तो यहां से आपने बीजगणितीय रूप में भी व्यक्त कर दिया और ज्यामितीय रूप में भी व्यक्त कर दिया है। अब ऐसा समझ लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों हुआ कि दोनों रेखाएं एक ही हो गई हैं। तो देखिए गौर करने की बात है कि अगर आप पहले समीकरण को थोड़ा सरल करते, तो यहां पर मैं आपको थोड़ा सरल करके समझा देता हूं। तो अगर आप सरल करते तो देखिए 3 को आप कॉमन ले सकते हैं, अर्थात उभयनिष्ठ आप लोगे तो x प्लस 2y बराबर, देखो 3900 को आप 3 × 1300 लिख सकते हो, तो 3 से 3 आपने कैंसिल कर दिया तो आपके पास x प्लस 2y बराबर 1300 ही आ जाएगा। इसका तात्पर्य यह हुआ कि दूसरी समीकरण और पहला समीकरण जो आपको लिखा हुआ है वो दोनों एक ही हैं, यहां पर बस आपको देखने में अलग अलग लग रहे थे, लेकिन जब आपने इनको सरल करके देखा तो ये आपके पास एक ही समीकरण आ रहे हैं, और इसी की वजह से आप यहां पर भी देख पा रहे हैं कि ये दोनों रेखाएं आपको सेम ही दिखाई दे रही हैं। चलिए अब हम प्रश्नावली 3.1 का
सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 3 हल करते हैं। चलिए सबसे पहले इस प्रश्न को अब हम पढ़ लेते हैं। यहां पर आपको बोला गया है कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था, जबकि एक महीने बाद 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य आपके पास ₹300 हो गया है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो देखिए सबसे पहले तो आपको सेब और अंगूर का मूल्य मानना पड़ेगा, तो माना। अब जब भी आप मानेंगे तो हमेशा एक करके ही क्वांटिटी का मानेंगे, अर्थात एक मात्रा का ही मूल्य आप मानते हैं। तो यहां पर आप मानेंगे सबसे पहले माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य और वो आपने एक्स मान लिया। स्वाभाविक सी बात है कि एक्स रुपए की बात ही हम यहां पर कर रहे हैं, क्योंकि हर जगह आप देख सकते हैं रुपए ही चल रहा है। इसी तरीके से आपने माना कि 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य जो है वो वाई रुपए है। तो अभी आप ये देखो कि ये तो आपने अपनी तरफ से मान लिया, तो पहली शर्त अर्थात कंडीशन 1 आपके पास देखिए लिखी हुई है कि 2 सेब तथा 1 अंगूर का मूल्य। तो देखिए 1 किलोग्राम सेब का मूल्य तो एक्स रुपए है, तो 2 किलोग्राम सेब का मूल्य 2x हो जाएगा तथा 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य वाई हो जाएगा। तो ये आपके पास देखिए ₹160 दिया हुआ है, इसको आप समीकरण संख्या 1 बोल दीजिएगा। तो देखिए आपने ये तो कर दिया। अब आप देख रहे हैं कि दूसरी कंडीशन भी हम लिख देते हैं। तो दूसरी कंडीशन आपके पास हो जाएगी यहां से कि 4 किलोग्राम सेब का मूल्य अर्थात 4x और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य अर्थात 2y। यहां पर आपने प्लस कर दिया क्योंकि इसका मूल्य और इसका मूल्य दोनों का मूल्य जोड़कर आपको बताया गया है ₹300 के बराबर, तो आपने यहां पर 300 लिख दिया। तो इसको आप समीकरण संख्या 2 बोल दीजिएगा। अब आप चाहें तो आप देखो इसको सरल भी कर सकते हो समीकरण संख्या 2 को, अगर चाहते हैं नहीं करना तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं। दोनों केस आपके पास बिल्कुल सही है, आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे सरल करने की बात करें तो आपके पास हो जाएगा ये देखिए 2 उभयनिष्ठ ले लेंगे तो 2x प्लस वाई बराबर यहां से 150 आ जाएगा, गुणा 2 भी हो जाएगा क्योंकि 300 को आपने इस तरीके से लिख दिया, तो 2 से 2 आपने कैंसिल कर दिया। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 2x प्लस वाई बराबर 150, तो इसको आप समीकरण संख्या 3 बोल दीजिएगा। तो बेसिकली 2 और 3 समीकरण जो है वो दिखने में तो अलग अलग लग रहे हैं लेकिन आपके पास वो एक ही समीकरण है। तो देखिए सबसे पहले आपको बोला गया था कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए, तो बीजगणितीय रूप में लिख देते हैं हम। पहला समीकरण था आपके पास 2x प्लस वाई बराबर 160 जो कि पहली शर्त के हिसाब से आया था, और देखिए आप दूसरा समीकरण आपके पास था 2x प्लस वाई बराबर 150 जो कि द्वितीय शर्त के आधार पर आपके पास आया था। अब ये तो आपने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब बात करते हैं कि आपको ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना था अर्थात इनको ग्राफ पेपर पर बनाना था। तो देखिए सबसे पहले तो आपने एक्स अक्ष बना दी और फिर आपने यहां पर देखिए वाई अक्ष भी बना दी है। तो अभी आप ये देखो कि सबसे पहली समीकरण हम ले लेते हैं। पहला समीकरण है आपके पास 2x प्लस वाई बराबर 160। तो देखिए आपको 2 बिंदु चाहिए होंगे सरल रेखा बनाने के लिए, आप चाहें तो और भी बिंदु निकाल सकते हैं लेकिन 2 बिंदु से भी आपका काम चल ही जाएगा। तो सबसे पहले तो आप x को 0 मान लो तो आपको मिलेगा y बराबर 160। तो देखिए आपको बिंदु मिल गया 0, 160। अब इसी तरीके से आपको 1 बिंदु और चाहिए होगा क्योंकि अभी तो आपको 1 बिंदु मिला है, तो अभी आप इसमें y को 0 मान लो। जब आप y को 0 मानोगे तो आपके पास 2x बराबर 160 आ जाएगा, तो x का मान आपके पास 160/2 अर्थात 80 आ जाएगा। तो जो बिंदु होगा वो आपको 80, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब अब देखिए आपको दोनों बिंदु मिल चुके हैं, तो अभी आप केवल इस लाइन को ड्रॉ कर देंगे अर्थात ग्राफ पर बना देंगे। तो देखो एक बिंदु आपको मिला है 0, 160, तो 0 x अक्ष निर्देशांक है अर्थात ये अपने पास जो बिंदु होगा वो y अक्ष पर आएगा। तो देखिए आपने 0, 160 वाला बिंदु बना दिया। इसी तरीके से आप देखो दूसरा बिंदु जो आपके पास आया है वो है 80, 0 अर्थात y निर्देशांक 0 है, तो ये x अक्ष पर आपके पास आ जाएगा। तो देखिए आपने 80, 0 भी बना दिया है। अब आप इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे और एक लाइन बनाएंगे तो वही आपके पास ये पहला वाला लाइन का ग्राफ हो जाएगा। तो देखिए मैं इसको यहां पर मिला देता हूं, तो आप देख सकते हो ये हमने लाइन बना दी। ये लाइन आपको थोड़ा ऐसा लग रहा होगा कि ऐसे ये चल रही है, कभी ऐसे हो रही है, लेकिन ये बिल्कुल सीधी लाइन होगी
क्योंकि आप पैमाने से बनाएंगे तो आपके पास बिल्कुल ही सीधी लाइन ये आएगी। अब चलिए पहला तो आपके पास आ गया जो कि 2x प्लस वाई बराबर 160 इस लाइन का ग्राफ था। अब हम दूसरे ग्राफ की बात करते हैं तो देखिए दूसरा समीकरण है आपके पास 2x प्लस वाई बराबर 150। तो आप यदि इसमें सबसे पहले x बराबर 0 मानोगे तो आपको मिलेगा y बराबर 150, अर्थात आपको बिंदु मिल जाएगा 0,150 क्योंकि x 0 और y 150 है। अब इसी तरीके से आप दूसरा बिंदु निकालने का प्रयास करेंगे तो देखिए अब आप यहां पर y बराबर 0 मानेंगे तो आप देख सकते हो आपके पास 2x बराबर 150 आ जाएगा, तो x का मान 150 बटे 2 अर्थात 75 आ जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि आपको जो बिंदु मिलेगा वो 75,0 आ रहा होगा जो इस रेखा पर आएगा अगर आप ग्राफ बनाएं। तो देखिए अब आपको इन दोनों बिंदुओं को बना देना है। तो देखिए सबसे पहला बिंदु है 0,150, तो 0,150 यहां पर कहीं आपके पास आ जाएगा और एक बिंदु आपके पास देख सकते हो दूसरा आया है 75,0, तो देखिए 75,0 आपके पास यहां पर कहीं आ जाएगा। अब आपको ये वाली रेखा बनानी दी है अर्थात ग्राफ बनाना है, तो अब आप इन दोनों को ज्वाइन कर देंगे। तो देखो ज्वाइन तो आपने कर दिया, बस आप इनको आगे बढ़ा दो। तो इसका मतलब ये हुआ यहाँ पर ऐसी रेखा अभी मुझसे बन गई है लेकिन आप तो बिल्कुल सीधी बनाएंगे क्योंकि आपके पास पैमाना होगा। तो इस तरीके से जो ये रेखा होगा इसका समीकरण है 2x प्लस वाई बराबर 150। तो इस तरीके से आपने दोनों रेखाओं को ग्राफ पर निरूपित भी कर दिया है।